नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेस में। आज की शुरू में यहाँ पे बात करेंगे, एक साथ पांच क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया, एक साथ पांच क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, उसमें से तीन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ हाई लिमिट के साथ। तो कैसे अप्लाई हुआ, क्या प्रोसेस है और कैसे यहाँ पे कार्ड अप्रूव हुआ, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, एक साथ यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे मुझे भेजा है, प्रथा यहाँ पे सरकार जो यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम पे मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट किए, प्रथा सरकार यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया और बताया मैंने यहाँ पे एक साथ नौ क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। इनका कहना है कि एक साथ मैंने नौ क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, लेकिन जो सिविल इंक्वायरी है जो जिसका ये स्क्रीनशॉट भेजे उसमें पाँच ही दिख रहा है। तो चलिए हम पाँच ही मान के चलते, ये बोल रहे हैं नौ है लेकिन हम पाँच मान के चलते, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं पाँच क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई कर किए, उसमें से तीन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ हाई लिमिट के साथ। पहला तो यहाँ पे एक्सिस बैंक हो गया, दूसरा यहाँ पे बीओबी हो गया, तीसरा अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड, और ये सब विदाउट इनकम प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये बोर्ड है जो यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिखा दूँ एक्सिस बैंक का, जो एक्सिस बैंक का कार्ड अप्रूव हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, एक्सिस बैंक का अभी कार्ड अप्रूव हुआ है, इनको लिमिट वगैरह अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैसेज वगैरह बस आया, कार्ड भी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे रहने देते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए मैं आपको इंक्वायरी सबसे पहले दिखा देता हूँ। इंक्वायरी देखिए वीओवी फाइनेंशियल की दिख रही है, जो कि 28/11/2022 की है। दूसरा एचडीएफसी है, 27/11/2022 की है। एयू फाइनेंस की है, 27/11/2022 की। एक्सिस का है, 27/11/2022 का। आईसीआईसी का है, 27/11/2022 का, ठीक है। तो इतना यहाँ पे देखिए कार्ड जो है लेटेस्ट का दिख रहा है, मतलब एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक साथ यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए पांच क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, पांच क्रेडिट कार्ड इनका अप्लाई हुआ। उसके पहले यहाँ पे देखिए, उसके पहले लास्ट बार यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस किया था एक साल पहले, ठीक है, एक साल पहले इनका यहाँ पे इंक्वायरी गया था 31/12/2020 को, वो भी आईसीआईसी को गया था, एक साल नहीं दो साल पहले, यहाँ पे समझ लीजिए, मतलब इंक्वायरी बहुत कम की है और किए तो एक साथ ही कर दिए, चलिए वो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे एक बीओबी फाइनेंशियल जो यहाँ पे बीओबी का कार्ड है अप्रूव हो गया, कार्ड अप्रूव हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका ए भी अप्रूव हो गया जो है, अमेजॉन का कार्ड भी अप्रूव हुआ, देख लीजिए 27 तारीख को इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था, केवाईसी वगैरह हुआ, 30 नवंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, 7 दिसंबर को इनका कार्ड अप्रूव भी हो गया। तीसरा यहाँ पे देखिए मैं आपको लिमिट दिखा देता हूँ बीओबी का, यहाँ पे देखिए इनको लिमिट मिला है 15,000 का, ठीक है, बीओबी का मान लीजिए कम ज़्यादा वहाँ पे होते रहता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो अमेजॉन का इनको लिमिट मिला है, वो लिमिट मिला है 1,10,000 का, जिसका यहाँ पे फोटो भेजे मुझे लिमिट का, यहाँ पे फोटो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, 1,10,000 का लिमिट मिला है, वो भी इनका सिविल है 765 सिविल है, एक्सपीरियन का 824 है, ठीक है। देख लीजिए एक्सिस का यहाँ पे कंग्रेचुलेसन, वेलकम टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, योर एप्लीकेशन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज अप्रूव, ठीक है। तो कार्ड अप्रूव हो गया, मतलब पांच क्रेडिट कार्ड इन्होंने अप्लाई किया, इनके हिसाब से तो नौ है लेकिन पांच अप्लाई किए इन्होंने, पांच के पांच यहाँ पे पांच में से तीन अप्रूव हो गया, एचडीएफसी का यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे जो तीन है मतलब यहाँ पे एयू और एचडीएफसी का डिक्लाइन हुआ, बाकी तीन कार्ड अप्रूव हो गया, अच्छी खासी लिमिट मिली है। एक्सिस का भी कंफर्म नहीं है कितना लिमिट मिला है। अब बात करते हैं इनको अप्रूवल कैसे मिल गया इतना जल्दी। देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया, इनका यहाँ पे देखिए इंक्वायरी, देखिए इंक्वायरी इनका बहुत कम है, सिविल तो बहुत अच्छा है, 750+ है, ठीक है, 750+ है, लेकिन इनका देखिए 750+ सिविल अच्छा मेंटेन कर लिए हैं, 65 है यहाँ पे, 765, और दो साल बाद इन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पे इंक्वायरी डाला, देखिए यहाँ पे दिया गया है 31/12/2020 को इन्होंने यहाँ पे लास्ट इंक्वायरी किया, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं 27/11/2022 को, तो दो साल का गैप रखे, दो साल तक यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं किए और उसके बाद अप्लाई किए, तो क्या है कि सिविल भी अच्छा इनका मेंटेन हो गया है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई किए, कोई इंक्वायरी वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इंक्वायरी से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे 2019 में किए हैं, बाकी 2018 में किए हैं, तो इंक्वायरी बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। अब पांच पांच में से यहाँ पे तीन अप्रूव हुआ, हाई लिमिट तो अमेजॉन मिला ही है, हो सकता है एक्सेस भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इंक्वायरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने, इन्होंने जो है भेजा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, तीन क्रेडिट कार्ड एक साथ अप्रूव हुआ यार, तो अच्छी खासी लिमिट भी मिली है, विदाउट इनकम प्रूफ भी मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है इंक्वायरी जो है ज़्यादा ना करिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ये क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ, तो थोड़ा गैप रख के यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, चाहे जो बैंक का अप्लाई करे, थोड़ा गैप रख के करिए। थोड़ा गैप रख के रखेंगे तो क्या रहेगा कि आगे कोई भी कार्ड अप्लाई करेंगे तो क्या रहता है, डिक्लाइन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप बैंक को कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, लोन वगैरह देते हैं,
प्रोसेस के लिए यहाँ पे करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें इंक्वायरी वगैरह भी यहाँ पे देखा जाता है। और इंक्वायरी अगर ज़्यादा देंगे तो सिविल भी डाउन होता है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, स्क्रीन शॉट यहाँ पे दिखाया था, जिसमें यहाँ पे इंक्वायरी से भी यहाँ पे सिविल डाउन होते हुए यहाँ पे दिखाया गया था, डाउन यहाँ पे दिखा था। जैसे कि आपको पता है 1 स्कोर या अब यहाँ पे सिविल रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तो उसमें दिखाया जाता है, एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपका इस कारण इतना सिविल डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे इतना गैप रखा, लेकिन 3-4 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए, अब इनको तो 3 क्रेडिट कार्ड मिल गया, हो सकता है और गैप रखे, तो गैप रखना जरूरी है। ठीक है, इतना भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1-1 महीने का तो गैप रख के ही कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे। तो देखिए, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ पे सिविल से रिलेटेड, या कुछ भी आपको डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यहाँ पे BOB, एक्सिस बैंक और यहाँ पे Amazon से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया, जो भी डाउट रहे जरूर पूछना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।